गुज़श्ता दिनों में जो गजनवी फोर्स नामी जो के मेम्बरान जो पकड़े गए थे उनकी तफ्तीश जारी थी, और उसी तफ्तीश के दौरान एक आदमी के इंकशाफ पर डब्बी गांव में आर्मी के साथ हमने मिलके सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, और दौरान तलाशी दो पिस्टल्स, दो ग्रेनेड और 70 लाइव बुलेट्स रिकवर किए। मजीद तफ्तीश जारी है, जो भी हकायक सामने आएंगे आपसे शेयर कीजिए। ये आर्म्स एंड अमुनिशन दुश्मन की तरफ से जो यहाँ पर भेजा गया था, एक्चुअली यहाँ पर जो इस इलाके की जो पहचान है कौमी एकता, कॉम्युनल हारमोनी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए मजहबी मुकामात पर इन्होंने अटैक करना था, और पुलिस और दीगर एजेंसियों की जो इंटेलिजेंस की तेज़ी की वजह से हमने फौरन इस पर एक्शन लिया और लोगों को पकड़ा भी गया और आर्म्स एंड अमुनिशन रिकवर भी किए गए। सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था कंडी गुलुता एरिया में, उस दौरान जब 6 ग्रेनेड पकड़े गए थे और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी थी, उसमें 3 लोग जो हैं हमने गिरफ्तार किए थे। उन 3 लोगों की जब फर्दर इंटरोगेशन जो है वो की, उसमें से एक जो है वो यासिन नाम का जो इंडिविजुअल है, टेररिस्ट एसोसिएट है, उसने ड्यूरिंग इंटरोगेशन बताया कि उसके पास और भी सामान पड़ा हुआ है। तो रात को फिर ये एक और सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बालाकोट सेक्टर में, डाबी विलेज में, और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन उसकी जो शनाख्त पे जो हमने फर्दर रिकवरी की है, उसमें 2 पिस्टल हैं और 70 पिस्टल के राउंड हैं और 2 ग्रेनेड हैं। अभी जो है वो इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। इसका भी लिंक जो है वो पार से ही है, क्योंकि पहले वाले ग्रेनेड भी इन्होंने ही दिए थे और ये वाली रिकवरी भी उसी के साथ जोड़ के हम लोग देख रहे हैं। अभी असरटेन कर रहे हैं कि और इनके पास क्या असला और एम्बिशन है। तो इस तरीके के ऑपरेशन आगे भी चलते रहेंगे? हाँ, ये जो एरिया है वो हम इसको बड़े संजीदा ढंग से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस तरह की रिकवरी होना और फिर इनके जो मंसूबे हैं उनको देखते हुए हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे ये सारा सर्च ऑपरेशन।